For all the Pulsar fans out there, we have plans to launch the biggest Pulsar ever. गाइस फाइनली बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने प्रॉमिस किया है 6 नई मोटरसाइकिल जो कि यार पल्सर की तरफ से लॉन्च होने वाली है, वो भी इस सीजन में। उन्होंने ये हिंट भी दिया है कि बिगेस्ट एवर पल्सर, इसका मतलब ये है गाइस अभी तक का जितना भी पल्सर आया है उससे बहुत बड़ी गाड़ी आने वाली है जो कि यार ज्यादा सीसी का इंजन होने वाला है, जो कि हम लोग को लग रहा है 400 सीसी की इंजन आने वाली है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज की तरफ से आने वाली वो बिगेस्ट एवर पल्सर जो कि यार 400 सीसी के इंजन के साथ आने वाले उन्हीं बाइक्स के बारे में, कब तक लॉन्च होगी, क्या है उनका प्राइस और क्या डिटेल्स होने वाले हैं। तो बिना कोई बकचोदी के लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात हम लोग को बता यार, बजाज के पास बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं और फेमस भी हैं। अभी तक बजाज ने जितनी भी बाइक्स लॉन्च की हैं वो 125 सीसी और 250 सीसी के अंदर लॉन्च की हैं। अभी तक जितना भी बजाज ने लॉन्च करी है बाइक्स वो है पल्सर 125, पल्सर एनएस 125 और हम लोग के पास पल्सर आरएस 200 भी है, और तो और रिसेंटली अभी लॉन्च हुई N250 और F250 भी है। जैसे कि राजीव बजाज ने ये रिवील किया है कि वी आर गेटिंग ए बिगेस्ट एवर पल्सर, इसका मतलब यही है 6 जो नई बाइक आने वाली है उसमें आप लोगों का सबसे बड़ी सीसी की बाइक भी एक आने वाली है। और इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि यार जितनी भी बाइक आई है वो हम लोग के 1.7 लैक्स के नीचे आई है। अब जो बाइक आने वाली है बिगेस्ट एवर पल्सर, ये आप लोगों के थोड़े बहुत 1.7 लैक से ऊपर जा सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पल्सर आरएस 400 या एनएस 400 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आने वाली है। अगर ये आरएस 400 और एनएस 400 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आने वाली है तो क्या क्या फीचर्स के साथ आ सकती है। सबसे पहली बात, इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है ये आप लोग के 2 लाख के ऊपर हो सकता है, और तो और ये आप लोगों को 399 सीसी सिंगल सिलेंडर के साथ आ सकती है जो कि यार ट्रायम्फ का एक डेवलप्ड इंजन हो सकता है, और तो और इसमें आप लोग को यूएसडी फ्रंट फोक्स देखने को मिल सकते हैं, डुअल चैनल एबीएस के साथ आ सकती है, और इसका जो पावर आउटपुट हम लोग बात करें तो 40 बीएचपी का पावर आउटपुट ये देखने को मिलेगा और 35 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। और इस बाइक में थोड़ी बहुत फीचर्स की बात करें, आप लोग को स्लिपर क्लच भी देखने को मिल सकता है, राइड बाय वायर थ्रॉटल का भी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकता है, और फुल एलईडी सेटअप के साथ ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आ सकती है। तो गाइस कौन कौन एक्साइटेड हो बजाज के इस नई पल्सर के लॉन्च को लेकर। सबसे पहली बात, आरएस 200 तो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में धमाका मचा रहा है, और ये आरएस 400 आएगी तो एक नई डिजाइन के साथ और एक नई इंजन के साथ आएगी, और तो और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये और भी छाने वाली है। तो गाइस आप लोग को ये अपडेट कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर कमेंट में बताना, और कौन कौन वेट कर रहे हो इन बजाज के पल्सर के बाइक्स को लेके ये भी मेरे को कमेंट में बताना। अब गाइस मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।